हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट 10। स्टूडेंट सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और आज का टॉपिक है जी हमारा मल्टीपल्स। ठीक है, आज हम आपको मल्टीपल के बारे में समझाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो ध्यानपूर्वक समझे, अपनी बुक खोल लें और देखिए बुक में जो पेज नंबर है, पेज नंबर आप 70 खोलेंगे, पेज नंबर 70, इसमें लिखा है, आप यहीं से ही देख के समझते रहेंगे। ठीक है जी, मल्टीपल, मल्टीपल सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए मल्टीपल होता क्या है। स्टूडेंट मल्टीपल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है गुणज। ठीक है जी, क्या होता है गुणज, और गुणज क्या होता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ध्यानपूर्वक इसकी डेफिनेशन को समझें। मल्टीपल, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय काउंटिंग नंबर वी गेट मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। तो स्टूडेंट हम आपको करके बता रहे हैं, जब हम किसी को, अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर जब हम उस नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, सबसे पहले बात यही आती है कि आप लोग काउंटिंग नंबर जानते हैं कि काउंटिंग नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप काउंटिंग नंबर ही समझ लीजिए। काउंटिंग नंबर क्या होता है, काउंट माने होता है गिनना, गणना करना, गिनती करना, है ना। और काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, जिनके द्वारा हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, है ना, तो वे काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर क्या होता है, अगर आपके बाप को कोई भी चीज़ दे दी जाए और कहा जाए आप इसे काउंट कीजिए, तो आप कैसे काउंट करेंगे, ऐसे करेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे बढ़ते ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। तो ये जो नंबर है, जो काउंटिंग नंबर होता है, वे 1 से शुरू होते हैं। ओके स्टूडेंट, जो काउंटिंग नंबर होता है वे हमेशा 1 से शुरू होते हैं। तो हम अगर किसी वस्तु को गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, भाई 1 से शुरू करेंगे ना स्टार्ट, तो 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर, 0 से नहीं। आप ऐसे थोड़े गिन लोगे कि भाई 0, 1, 2 ऐसे तो नहीं गिरेंगे, तो 1 से ही काउंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये 9 है, ठीक है जी। अब इस 9 को हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ना स्टूडेंट, नंबर कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी नंबर हो सकता है, 100, 25, 30, 31 कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन उन नंबर को जब हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वे मल्टीपल कहलाते हैं। ठीक है जी, जैसा 9 है, हमने 9 की मल्टीप्लाई 1 से की, 1 क्या है हमारा काउंटिंग नंबर है, तो 9 × 9 तो ये क्या आ गया, देखो ये नंबर है, ये काउंटिंग नंबर है, ठीक है जी, ये हमारा नंबर है, ये काउंटिंग नंबर है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपको पता चला उसी का ही नाम है मल्टीपल। मल्टीपल, ये मल्टीपल कहलाता है। ये नंबर है, ये काउंटिंग नंबर है ना, ये नंबर है, ये काउंटिंग नंबर है, ये मल्टीपल है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर जब हम किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, दो डिजिट की मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, जो उसकी उसका आंसर आता है वही मल्टीपल कहलाता है। लेकिन फर्क यहाँ क्या है, यहाँ काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो अगर हम इसके 9 के ओवर मल्टीपल लें, अब यहाँ 2 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, अब यहाँ मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, तो यहाँ 27 आ जाएगा, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, तो यहाँ 36 आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब मल्टीपल है,
क्योंकि 9 जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम काउंटिंग नंबर से करते रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये जो भी आ रहे हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब मल्टीपल होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब 9 की मल्टीप्लाई आप कहीं तक भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई काउंटलेस होती है ना। आप 1 करोड़ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अरब से भी कर सकते हैं, खरब से भी कर सकते हैं, लैख से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट आप कहीं तक भी जा सकते हैं। काउंटिंग नंबर जो होते हैं, ध्यान दें, काउंटिंग नंबर हमेशा काउंटलेस होते हैं, है ना। इन्हें नंबरों को हम कभी काउंट नहीं कर सकते। जब हमारे नंबर काउंट नहीं हो सकते तो हमारे मल्टीपल भी काउंट नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि नंबर तो हमारे पास है और काउंटिंग नंबर हम गिन नहीं सकते। तो काउंटिंग नंबर गिन नहीं सकते तो और काउंटिंग नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो मल्टीपल होते हैं स्टूडेंट वे भी काउंटलेस होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 7 के या 10 के किसी भी नंबर के आप मल्टीपल बताइए कितने होते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि भाई मल्टीपल तो काउंटलेस होते हैं, वे हम गिन नहीं सकते, इतने होते हैं, है ना। तो आपको ये बात पता चल गई कि जो मल्टीपल होते हैं वे काउंटलेस होते हैं, है ना, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस टेबल को, वैसे ये एक तरह का टेबल ही बनता जा रहा है, 9 का है ना टेबल है, पाड़ा है। तो स्टूडेंट आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई मल्टीपल क्या होता है ना। जब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसके साथ कर दी जाए तो वो मल्टीपल होता है। ध्यान दें, सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल, जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वह नंबर खुद होता है जिससे जिसके साथ हम काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो गया जी, 9। यानी कि जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वह संख्या अपने आप की खुद ही होगी। जिस संख्या को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वह संख्या ही अपने आप की सबसे छोटा मल्टीपल होता है, ठीक है जी। और ग्रेटेस्ट मल्टीपल, सबसे बड़ा। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वो आपको पता ही नहीं, क्योंकि न काउंटिंग नंबर जो होते हैं वे काउंटलेस होते हैं, ठीक है जी। समझ में आई बात, तो और देख लीजिए। तो स्टूडेंट ये इनके मल्टीपल निकलते हुए चले गए, ठीक है। अब आप इसी प्रकार किसी भी नंबर के मल्टीपल निकाल सकते हैं, 10 के 12 के 2 के 75 के 50 के, किसी के भी नंबर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से मल्टीप्लाई करके आप जितने भी नंबर, क्वेश्चन कहता है कि भाई इतने मल्टीपल निकालिए, उतने मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट जो भी मल्टीपल होता है, जैसा ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है आपका, और ये हमारे क्या है जी, नंबर है, ये हमारे काउंटिंग नंबर है। जो हमारा मल्टीपल होता है वो इन दोनों से, काउंटिंग नंबर से और नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, ध्यान दे, ठीक है। 4 9 36 और जी 9 4 36, है ना। तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। देखिए, हमें अगर किसी चीज़ को समझना है तो हमें उसकी जड़ तक जाना होगा, उसके बेस को समझना होगा, है ना। तो अगर हम मल्टीपल के बारे में सारी बातें जान लें कि इसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है ये, तो तभी हमें इसे निकालने में आसानी रहेगी। तो हमें मल्टीपल के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेना चाहिए, है ना जी। तो मल्टीपल जो भी होता है वो अपने नंबर और काउंटिंग नंबर दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर शेष नहीं बचता, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ, प्रत्येक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। कैसे होता है देख लीजिए, जैसा हमने यहाँ 10 लिखा, 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10,
तो स्टूडेंट देखिए जो वंजा होता है पहला ही पहला मल्टीपल होता है वो ये 10 है, तो ये अपने आप का मल्टीपल है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हमने बन सकी तो यही आंसर आएगा, और यही समय छोटा मल्टीपल होता है। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर अपने आप का मल्टीपल या गुणज होता है। ठीक है जी, ए नंबर कैन हैव अनलिमिटेड मल्टीपल, कोई भी नंबर हो तो उसके जो मल्टीपल होंगे वे अनलिमिटेड होंगे, यानी कि काउंट लेस होंगे, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, जो मल्टीपल होते हैं वे कैसे होते हैं, काउंट लेस होते हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संख्या में इतने अधिक होते हैं, है ना, जितनी काउंटिंग होती है उतने काउंट मल्टीपल भी होते हैं। जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, कोई भी नंबर हो जीरो सबका मल्टीपल होगा, है ना। देखिए कैसे होगा, जीरो मल्टीपल होगा स्टूडेंट, हमने ये कहा। ठीक है, तो अगर आप टू को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, तो वही ये हमारा आंसर आ गया, मल्टीपल जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी करें तो भी जीरो ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो जीरो जो है वो प्रत्येक नंबर का मल्टीपल होता है, कोई भी नंबर हो सबका मल्टीपल कौन, जीरो, है ना। जैसे सबका फैक्टर वन होता है उसी प्रकार सबका मल्टीपल जीरो होती है। ठीक है जी, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन, एवरी नंबर प्रत्येक जो नंबर होता है उसका मल्टीपल वन होता है ना। जैसे वन मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू थ्री, तो सबका जो वन है वो एक नंबर है, हाँ। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन, समझ गया। अब एजी द मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, प्रत्येक मल्टीपल अपने नंबर से या तो इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, है ना। कोई भी मल्टीपल, जैसे हमने स्टूडेंट 11 की 3 की मल्टीप्लाई करी, इनका मल्टीपल क्या आ गया 3, तो जो भी मल्टीपल होगा या तो वो इसके इक्वल होगा आपके नंबर के या इससे बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता, है ना, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। जैसे 1 × 1 क्या हो जाएगा 11, है ना, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो वही होगा जो वह संख्या खुद होगी। जैसे कि ये 3 × 1 की मल्टीप्लाई करें तो 3 आंसर आ गया, तो यह नंबर खुद अपने आप का एक मल्टीपल है और ये ही सबसे छोटा मल्टीपल है। ठीक है जी, एवरी मल्टीपल इज ए नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई डेट नंबर, है ना स्टूडेंट। जैसे कि हमने अभी ये बताया था, अगर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली तो 27 आ गए, है ना। तो कोई भी मल्टीपल, जो भी मल्टीपल होगा वो अपने नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 3 × 9 = 27 और जी 9 × 3 = 27, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, जो पहला देखिए स्टूडेंट, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ए एवरी नंबर इज द नंबर इट्सेल्फ,
जो पहला मल्टीपल होगा वह अपने आप का खुद का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। जो पहला नंबर है वो ही अपने आप का मल्टीपल होगा सबसे पहला। अगर कोई पूछे भाई फर्स्ट मल्टीपल क्या है, किसी का भी किसी कोई भी नंबर आपको दे दिया, 10 दे दिया, 11 दे दिया, 100 दे दिया, 115 दे दिया, कुछ भी दे दिया, और उससे पूछ रहा भाई इसका फर्स्ट मल्टीपल बताओ, तो आप वही संख्या बता दो। किसी ने पूछा भाई 15 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है, तो आप कह दो 15 ही है। क्यों? क्योंकि जब उसे आप काउंटिंग करेंगे काउंटिंग नंबर से तो सबसे पहले 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 ही आंसर आ जाएगा, 15 बन जाए 15, है ना। तो स्टूडेंट आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया। कभी जैसे आपको हमने अभी बताया कि जो मल्टीपल कोई भी मल्टीपल आता है वो सब में छोटा मल्टीपल वही होता है जो वह नंबर होता है ना। तो अगर किसी अगर आपका आंसर इससे कम मान लेंगे, मान लीजिए आपका आप भूल गए, आपसे काउंटिंग जो मल्टीप्लाई है वो आपने गलत कर दी और आपने यहाँ 10 लिया है ना, मन था स्टूडेंट यहाँ पे आप 10 लिया है, या मान लीजिए यहाँ पे आपने 8 ले लिया, आप किसी कारण भूल गए लेकिन आपने फिर सोचा कि भाई जो डिजिट होती है उसका पहला मल्टीपल वही संख्या होती है ना, तो ये 9 है यहाँ 8 आ गया, तो ये तो इससे कम है ना, तो गलत हो गया। आप इस प्रकार अगर आपके याद है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं इसीलिए सिखाई जाती हैं, ताकि आपके आंसर अगर गलत आने लगे तो आप इन्हें इनका इस्तेमाल करके अपने आंसर को सही कर लें, ठीक है स्टूडेंट। अब एक बात हो रह गई जी, यही हम आपको सिखाना चाहेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन, COMMON, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं या 4 है या 5 है, सबके पास कुछ सिक्के हैं, मान लीजिए कोई कॉइन है सबके पास, है ना, लेकिन 5 का जो कॉइन है वो सबके पास है, 4 स्टूडेंट है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास और 2 का कॉइन है, 1 का कॉइन है ना, तो इस तरह कॉइन है, लेकिन 5 का जो कॉइन है वो सबके पास है, तो ये जो सबके पास होता है ना वही कॉमन कहलाता है, जो सामान्य होता है ना, तो यही कॉमन कहलाता है। मान लीजिए आपने यहाँ 2 का टेबल लिखा, 2, 4, 6, 8, 10, अब यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ से क्या आपने 5 का टेबल लिख दिया, 5, 10, 15, और यहाँ आपने 10 का टेबल लिख दिया, 10, 20, 30। तो स्टूडेंट देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और इसमें भी 10 है, तो 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है, और 10 के टेबल में भी 10 आता है। तो एक ऐसी डिजिट, एक ऐसा नंबर जो दिए हुए सब नंबर में हो वही कॉमन कहलाता है, समझ गए। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो आपको कॉमन निकालना आना चाहिए, और कॉमन क्या होता है आपको पता चल गया, जो सबके पास है भाई, 2 के पास भी 10 है, 5 के पास भी 10 है, और 10 के पास भी 10 है, तो ये कॉमन है। एक और लेते हैं, मान लीजिए 6 है, 6, 12 है जी, 18, 24 है ना, अब यहाँ भी ले लेते हैं स्टूडेंट, 2 लेते हैं, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 है ना, इसे भी आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा,
मल्टीपल स्टूडेंट ये कहीं तक भी जा सकता है इनकी काउंटिंग करते हुए, है ना। और ले लीजिए फोर का, ले लीजिए 4, 8, 12, 16, है ना, और जी 20। तो अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, और उसमें भी 12 है, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट कोई नहीं मिल गया, तो इसमें भी है, 2 के पास, 6 के पास भी है, 2 के पास भी है, 4 के पास भी है, तो ये कॉमन होगा, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होगा जी, 12, जो सब में है। स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि एक डिजिट मैच हो, आपको और भी डिजिट मैच हो सकती है, ठीक है ना, और भी जो ऐसे डिजिट है वे मैच हो सकती है कॉमन मल्टीपल में, तो वे सारी कॉमन होंगी, ठीक है जी। तो कॉमन मल्टीपल के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी, मैं हमने आपको बता दी जो मेन थी, है ना। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल वह नंबर होता है जो काउंटिंग नंबर के द्वारा, किसी भी नंबर को काउंटिंग नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्राप्त होता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। काउंटिंग नंबर अपने दोनों नंबरों से पूरा पूरा, जो काउंटिंग नंबर जो मल्टीपल आएगा, काउंटिंग नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई करके, वो मल्टीपल अपने दोनों नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है जी। जो मल्टीपल होता है वो सब में छोटा मल्टीपल अपने आप का खुद होता है, क्योंकि हम उसे वन से मल्टीप्लाई करके प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होता है उसका हमें पता नहीं है, है ना। और जी मल्टीपल कितने होते हैं किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के मल्टीपल जो होते हैं वे काउंटलेस होते हैं, उनका वे काउंट नहीं किए जा सकते, क्योंकि जिस तरह काउंटिंग काउंटलेस है यानी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता, तो इसी प्रकार मल्टीपल भी काउंटलेस होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे छोटा पता चल गया, सबसे बड़ा होता नहीं, तो काउंटिंग नंबर के बारे में हमें, जो ये काउंटिंग नंबर है मल्टीपल है, इनके बारे में हमें सब कुछ नॉलेज हो गई है ना जी। अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे 10.1 पे, ओके स्टूडेंट। तो 10.1 कर लेते हैं, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.1 राइट द मल्टीपल एज डायरेक्टेड। स्टूडेंट जैसे नीचे दिया गया है उसी प्रकार आपको मल्टीपल लिखने हैं, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 के पहले 5 मल्टीपल लिखिए, ओके स्टूडेंट। अभी आपने पढ़ा था कि मल्टीपल कैसे प्राप्त करते हैं आप, तो मल्टीपल आप कैसे प्राप्त करते हैं भाई, काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके, है ना। काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देख लीजिए, 7 के मल्टीपल निकालने हैं आपको, कितने निकालने हैं, जितने भी निकालने हैं उतनी बार आप 7 को लिख लीजिए, ऐसे। ये तो आपका नंबर होगा, ये आपके काउंटिंग नंबर होंगे, यही आपकी डेफिनेशन थी, है ना स्टूडेंट। डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई भी नंबर है अगर उसे हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा वो ही आपका मल्टीपल होगा। तो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, 7 फाइव जा 35। तो स्टूडेंट हमने आपको बता दिया इस तरह हमने, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये टेबल ही है, देखो आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप ये भी ना करें मल्टीप्लाई ना करें ऐसे, अगर आप ऐसे सीधा आंसर लिख दें इसका भाई, 7 का टेबल 5 जो था कह रहा ना, है ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल कह रहा, मल्टीपल का मतलब 5 जा, है ना, 5 जार। तो स्टूडेंट
तो आप 5 तक लिखेंगे 7 का टेबल, जो भी कह रहा है, जो भी टेबल दे रखा, जिसके नंबर जिस नंबर के निकलवा रहा, तो उसका टेबल वहाँ तक लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35। तो हो गया। तो अब तो बी वाला क्या है जी, इसमें 14 के निकलवा रहा, तो आप 14 का टेबल लिख दीजिए, 14 1 14 14 2 28 14 3 42 है नी, 14 4 56 और 14 5 70। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह 14 का टेबल लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है जी, 9 का, तो या तो आप ऐसे ऐसे करके भी शो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45। तो हो गया। देखो स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, आप मान लीजिए फर्स्ट सेकंड के मैं आपको 7 14 ये सब टेबल आ जाते हैं, ये टेबल लिखने हैं आपको, किसी ने कह दिया भाई 5 तक टेबल लिखो, हाँ 7 का टेबल 5 तक लिखो, 14 का टेबल 5 तक लिखो, 9 का टेबल 5 तक लिखो, तो आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फ्लोइंग नंबर। तो स्टूडेंट नंबर क्या है, 5 7 है ना, ये जो 5 7 है, इनमें 2 ऐसी डिजिट बतानी है आपको जो दोनों में पाई जाती हूँ, यानी कि 5 के टेबल में भी हो 2 ऐसी डिजिट, और वही 7 के टेबल में भी हो दोनों। ठीक है जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले अपनी यहाँ पे 5 का टेबल लिख लेंगे, यानी कि 5 के मल्टीपल लिख लेंगे, फिर यहाँ पे नीचे 7 के मल्टीपल लिख लेंगे, 7 के मल्टीपल का मतलब है 7 का टेबल। तो स्टूडेंट लिखिए 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 है ना, 50 तक लिख लिया। अब 7 पर 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 20 7 5 35। तो स्टूडेंट देखिए, पहले डिजिट है जो 5 और 7 में दोनों में है 35 पहली ऐसी डिजिट है जो दोनों के में है, 7 में भी है जी और हमारी 5 के टेबल में भी है ना, तो ये कॉमन हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट, ये कॉमन हो गई क्योंकि 5 में भी है और 7 में भी है। ठीक है जी, लेकिन हमें तो 2 डिजिट चाहिए ऐसी, एक और चाहिए, 7 6 42 7 7 49 7 8 56। तो स्टूडेंट ये 50 तक ही है, ये आपको चला गया है ना, तो और चला लेते हैं, इसे पूरा ही कर लेते हैं 7 के टेबल को, है ना, 7 8 56 7 9 63 7 10 70। तो अभी कोई मैच नहीं हुआ, तो हम 5 के टेबल को भी आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट अगर आप ये सोच रहे हैं जो टेबल होता है मैं 10 पे ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, आप इसे 5 के टेबल को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, 5 11 जा, तो यानी 11 के आप मल्टीप्लाई 5 से कर सकते हैं, तो कितना आ गया 55 है, 5 12 जा, तो आप 12 की मल्टीप्लाई 5 से कर सकते हैं 60। ठीक है जी, और 5 13 जा, तो आप 13 की टेबल की मल्टीप्लाई 5 में कर सकते हैं, 3 5 जा 15 कैरी 1 और 5 1 6 65। तो स्टूडेंट यहाँ 70 है, तो इससे आगे लिख देंगे ना, इस तक तो जाना ही पड़ेगा, 5 14 जा, तो आप 5 की मल्टीप्लाई 14 के साथ कर सकते हैं, या आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, 14 5 जा भी पढ़ सकते हैं, 5 4 जा 20 कैरी 2 और 5 और 2 7,
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आ गया 70। तो 70 आ गया, तो दूसरा नंबर भी आपका मैच हो गया। तो आप टेबल को अगर कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं तो उसे टेंजा पर ही खत्म ना करें, ये ना सोचें कि भैया टेंजा पर ही खत्म होगा उसे। या तो स्टूडेंट आप पे अगर ऐसे नहीं होता तो आप इनमें जैसा कोई फाइव का टेबल बना रहे तो आप इसमें फाइव फाइव ऐड करके आगे टेबल ले जा सकते हैं। ये सेवन का बना रहे तो आप इसमें सेवन सेवन ऐड करके ले जा सकते हैं। अगर यहाँ टेंजा पर खत्म होगा, अगर मैं इसे सेवन प्लस कर दूँ 77 हो जाएगा, है ना, 70 में 7 प्लस कर दो और फिर 7 प्लस कर दो, फिर 7 प्लस कर दो, तो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है इस प्रकार। तो समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भी, अब इसका आंसर भी लिखना होगा आपको। इसका आंसर आ जाएगा जी 35 एंड 70 कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन कॉमन मल्टीपल, एम यू एल टी आई पी एल ई एस मल्टीपल्स। तो लिख लीजिए आंसर, 35 और 70 कॉमन मल्टीपल है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला देखते हैं। अब बी वाले में है जी 8 और 4। अब आपको 8 का टेबल लिखना है, 4 का टेबल लिखना है, ठीक है जी। लिखते हैं 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, ठीक है जी। अब 8 का, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो स्टूडेंट देखिए यो जो 8 है, 8 इस वाले में भी है और 8 इसमें भी है, ठीक है जी। पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया हमें जो दोनों में है, ठीक है जी। अब दूसरा, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी 16 है और ये भी 16 है, टू कॉमन मल्टीपल बताने थे, है ना। और तो एक तो पहले 8 8 मिल गया और एक 16 16 मिल गया आपको, तो दो मिल गए, तो हमें आगे टेबल लिखने की आवश्यकता ही क्या है ना। तो जहाँ हमें पता चल जाए भाई, जहाँ हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाए उससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लेंगे, आंसर 8 और 16 कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल हो गए स्टूडेंट जी, या तो इक्वल होने चाहिए या बड़े होने चाहिए। कॉमन मल्टीपल का जो जो मल्टीपल हो गए वे अपने नंबर से या तो इक्वल होने चाहिए अपने नंबर के, उनसे बड़े होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सी वाला देखते हैं, 369। अब 6 के कॉमन, 3 के कॉमन मल्टीपल लिख लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और जी 30 10 लिखें। अब 6 के, 6 वन जा 6, 6 टू जा 18, 6 थ्री जा 6 टू जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, ठीक है जी। अब 9 के, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80। तो स्टूडेंट देखो 18 इसमें भी है, 3 में भी और 6 में भी 18 है और 9 में भी 18 है ना।
देखो स्टूडेंट इसमें सिक्स था इसमें सिक्स था, लेकिन नाइन वाले में तो सिक्स नहीं होने का ना। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, थ्री जा 27, फोर जा 36, फाइव जा 45, सिक्स जा 54, सेवन जा 63, कोई मिलता है क्या भाई? इसमें 27 नहीं आने का, इसमें 24 है, इसमें 24 है, लेकिन 9 में 24 नहीं होने का। तो स्टूडेंट समय ये भी 60 तक चला गया, ये भी 60 तक चला गया, ये 30 तक ही रहेगा, इसे बढ़ा लीजिए। हमने बताया था ये तो आप 3 प्लस करते हुए चले जाए, 30 में 3 प्लस करेंगे 33 आ जाएगा, फिर 3 प्लस करेंगे 36 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट देखिए 36 इसमें भी है और 6 में भी 36 है और 9 वाले में भी 36 है, तो इन तीनों में 36 है और 18 भी सम्मिलित है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल आर 18 एंड 36, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरह आपको जो भी पहली दो डिजिट मिल जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में 3 कॉमन मल्टीपल कहते, 4 कॉमन मल्टीपल कहते या 5 कॉमन मल्टीपल कहते, तो स्टूडेंट इसी प्रकार आपको ये कर लेना है। तो आपको कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया होगा क्या है। कॉमन मल्टीपल ऐसा नंबर है जो दिए हुए सभी नंबर में मिलता है या दिए हुए सभी डिजिट में प्राप्त होता है, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सर्किल दीज विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ द नंबर गिविन वर्ड। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, क्या कह रहा कि जो ये नंबर दे रखे इन नंबर को सर्किल करना है। कौन से नंबर को सर्किल करना है इनमें से? उन नंबर को सर्किल करना है जो वर्ड्स में दे रखे, जैसा 4 दे रखा वर्ड में लिख रहा है फोर, यू आर 4, देखो गिविन वर्ड है, वर्ड में क्या लिख रहा 4, जो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 का मल्टीपल नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 मेथड है आपके पास, या तो आप 4 का टेबल रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो 4 के टेबल में आए तो वो 4 का मल्टीपल है, जो 4 के टेबल में ना आए तो वो 4 का टेबल नहीं है, मल्टीपल नहीं है। या स्टूडेंट अगर बड़ी डिजिट है भाई 40-10 तक ही पढ़ सकते हैं, अगर 10 से ज़्यादा है तो आप उसे 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर वो पूरा डिवाइड होता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता आपके पास, तो वो 4 का मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है जी। तो आप देखिए 4 के टेबल में 8 आता है, 16 भी आता है, क्या 21 भी आता है? नहीं। तो जो ये 21 है जी, ये 4 का मल्टीपल और नॉट मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 का मल्टीपल नहीं है। कौन नहीं है? 21, ठीक है। 24 आता है 4 के टेबल में? आता है। 30 आता है? नहीं आता है ना, तो 30 भी 4 का टेबल नहीं है, मल्टीपल नहीं है। अब 32 भी आता है और 36 भी आता है। तो स्टूडेंट 2 नंबर ऐसे हैं, 2 नंबर इसमें ऐसे हैं 21 और 30 जो 4 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो यही इसे इसने कहा था, उन्हीं डिजिट को मल्टीपल, उन्हीं मल्टीपल को आप सर्किल कर दीजिए, उन पर गोला बना दीजिए, या अपने गोला बना दिया। अब 6 के टेबल में देखना,
सिक्स के टेबल में 12 आता है, 18 आता है, लेकिन 20 नहीं आता। आप पढ़ के देख लीजिए सिक्स का टेबल, तो 20 को गोल कर दो। 24 भी आता है लेकिन 32 नहीं आता। 36 भी आता है लेकिन 40 नहीं आता। तो 20, 32 और 40 है ना। तो स्टूडेंट देखिए, हम आपको पढ़ के ही दिखा रहे, कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो। 6 1 6, 6 2 6, 6 3 18, 6 4 24, 20 तो नहीं आया ना, 24 आया, 24, 6 5 30, 6 6 36, देखो 32 तो नहीं आया, 6 7 42 आएगा, 40 नहीं आया। तो जो नहीं आ रहे टेबल में उन्हें गोल करना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, 9 के टेबल में 18 आता है, 27 भी आता है, 36 भी आता है, लेकिन 38 नहीं आता, और 44 भी नहीं आता, और 64 भी नहीं आता, है ना। तो स्टूडेंट तीन नंबर हो गए जो नहीं आए, 38, 44 और 64, ये 9 के टेबल में नहीं है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4, सोल एंड आंसर, सोल कीजिए और आंसर बताइए। गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन भी बताइए। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इज 90 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, क्या 90 मल्टीपल है 5 का। 5 की अगर काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जा तो स्टूडेंट, तो क्या उसमें 90 का टेबल आ जाएगा, 90 आ जाएगा उसके टेबल में 5 के। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ टेबल बनाएं तो हमें बहुत समय लगने वाला है ना। अगर आप इसे 5 की 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3 करें 90 तक, तो आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे, है ना। हम 90 को 5 से डिवाइड करेंगे। हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो मल्टीपल होता है वो काउंटिंग नंबर और नंबर से दोनों से डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो उसका मल्टीपल होता है, अदरवाइज नहीं, है ना। तो हम उस नियम का प्रयोग करते हुए इस 90 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 में से 9, 9 में से 5 माइनस कर लिए, कितने बच गए जी, 4। अब ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 0, 5 8 जा 40। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट यस। क्या इसने क्या क्वेश्चन किया था, क्या 95 का मल्टीपल है, यस हाँ। क्यों है, क्योंकि 19 से पूरा डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ लिख भी सकते हैं, बिकॉज बी ई सी ए यू एस ई, बिकॉज 5 इज द फैक्टर एफ ए सी टी ओ आर फैक्टर ऑफ 90। क्यों है, क्योंकि जो 5 है वो 90 का फैक्टर है, क्योंकि 90 से पूरा पूरा डिवाइड कर रहा, 90 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा 5 से। तो स्टूडेंट ये इसका पैटर्न है, तो हमने लिख लिया। अब बी वाला क्वेश्चन, बी इज 124 ए मल्टीपल ऑफ 3। तो स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या 3 जो है 124 3 का मल्टीपल है, तो इसका भी हमें क्या करना, इसका भी हमें सही करना है, इसे भी हम डिवाइड कर लेंगे, 3 4 जा 12, माइनस कर दिया 0 आ गई, ब्रिंग डाउन 4 कर लिया, और 3 1 जा
3, तो रिमाइंडर 1 रह गया, तो इसका आंसर आ जाएगा जी नो, बिकॉज BECAUSE because is not actor of 124. तो इसमें रिमाइंडर बच गया, जो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो मल्टीपल है और अदरवाइज है नहीं। अब आ गया जी क्वेश्चन आपका, ये तो दिखाई नहीं दिया, तो स्टूडेंट 124 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो रिमाइंडर 1 बच गया। अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका फैक्टर नहीं है या इसका मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है जी आपका सी, इज 152 ए मल्टीपल ऑफ 8, क्या 8 का मल्टीपल है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16 ज्यादा हो जाएंगे जी, 8 वन जा 18, 15 में से हम 7 माइनस 8 माइनस कर लेंगे, 7 आंसर है जगह, ब्रिंग डाउन 2 कर लेंगे, 8 नाइन जा 72, तो आंसर आ जाएगा यस। बिकॉज 8 is the factor of 152, अगर कोई भी डिजिट अपने फैक्टर से, अपने काउंटिंग नंबर से या मल्टीपल से डिवाइड होती है तो स्टूडेंट वो उसका मल्टीपल होती है, ठीक है जी। तो आपकी 10.1 एक्सरसाइज जो थी स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको इस एक्सरसाइज में लगता है कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप उसे दोबारा समझ सकते हैं, उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं या फिर आप क्लास में भी स्टूडेंट समझ सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें, तो स्टूडेंट आप जितने कमेंट लाइक करते हैं उसी के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है ताकि भाई किसी का तो भला हो रहा है वीडियो देखकर, अगर कोई देख ही नहीं रहा तो फिर वीडियो बनाने का मकसद ही क्या है ना। तो स्टूडेंट आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।